देश की हर दिशा हर समाज में अत्यंत लोकप्रिय एक पकवान को हम सब अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इसे उत्तर भारत में खीर, पूरब में पायस और दक्षिण में पायसम कहते हैं। पेश है पायसम इतिहास की थाली से। दक्षिण भारत में हर पारंपरिक भोजन पायसम से समाप्त होता है। पत्ते के दाहिनी तरफ एक कटोरी पायसम अंत में परोसा जाता है ताकि अतिथि भोजन मीठे लक्षण के साथ समाप्त कर सके। इस मिठाई ने भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्सव रस्म या दावत हो हर जगह पहचान कराई है। पायसम या खीर की बनावट में तरह तरह की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, पर इसके मूल तत्व हैं दूध और चीनी, या दूध में गुड़ भी डाला जा सकता है। टूटे चावल, गेहूं और सिवई इनमें से कुछ आम सामग्रियां हैं। इलायची, केसर, बादाम, काजू, पिस्ता इत्यादि से इसे सुगंधित और अलंकृत किया जाता है। पायसम का पहला उल्लेख बुद्ध के प्रमुख साहित्य में 400 ईसा पूर्व में पाया जाता है। सिवई से बना हुआ शांगे पायसा का उल्लेख कन्नड़ा के एक लेख में 1222 ईस्वी में मिलता है और साबुदाना के पायसम का सन 1235 में उल्लेख है। 12वीं सदी में कर्नाटक के राजा सोमेश्वरा ने अपने लेख मंसोल्लासा में भी दूध और चीनी में जमी हुई मलाई की परत के पकवान का जिक्र कहने पायसम के नाम से किया है। कहने का तात्पर्य ये है, पायसम की उम्र जितनी भी हो, इसके बनाने के ढंग में अभी भी ज्यादा तब्दीलियां नहीं आई हैं। कितनी पीढ़ियां, कितने लोग इसका मजा ले चुके हैं, इसकी गिनती हमारी कल्पना से बाहर है। कई लोगों का मानना है कि केरला के अम्बलापुरा के मंदिर में सबसे अच्छा और लोकप्रिय पायसम बनाया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पायसम एक पौराणिक कथा के स्मरण में परोसा जाता है। इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण एक बूढ़े ऋषि के रूप में केरला के चेम्बा कसेरी राज्य आए और उन्होंने वहाँ के राजा को शतरंज के खेल की चुनौती दे डाली। शतरंज में माहिर राजा के लिए ये भी कोई बात थी? चुनौती तो उन्होंने हंसी मजाक में ही स्वीकार ली। जीत के बदले ऋषि की क्या मांग थी, ये बात जब निकल के सामने आई, अचरज और हंसी जो अब तक शांत थी, राजा से अब नहीं छुप पाई। ऋषि चाहते थे केवल इतना, खेल के हर चौकर पे कुछ कण चावल के रखना, एक कक्ष में जीतना, अगले में उससे दुगना, मतलब पहले में एक तो दूसरे में दो, तीसरे में चार और चौथे में आठ दाना। परास राजा ने एक दाने से शुरुआत की। जल्द ही उनको एहसास हुआ कि ऋषि की मांग कुछ साधारण नहीं थी। जब आखिरी कक्ष तक का अनुमान लगाया तब समझ आया, इस ऋषि ने तो कई सैकड़ों टन चावल का चूना लगाया। इतना चावल राजा के बस की बात नहीं थी, पर भगवान से मुकाबला क्योंकि अन्याय की लड़ाई भी थी। ऋषि ने असली रूप दिखाया और श्री कृष्ण ने छूट का आभास दिलाया। ये कर्ज अभी फौरन तो नहीं, आने वाले कुछ सालों में सही। मुफ्त पायसम के रूप में तीर्थ यात्री निर्धन या सुकून की तलाश में अम्बलापुरा आने वालों को देकर पूरा करें। तो बस आज भी भारत के यात्री इस सुकून से अम्बलापुरा की यात्रा तय करते हैं कि सफर के अंत में स्वादिष्ट पायसम से सफर की तकलीफों को भुला तो सकते हैं। शायद इसीलिए पायसम पीयूषम शब्द से जन्मा है, जिसका मतलब है अमृत। भारत में पायसम या खीर का सेवन केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, बल्कि मुसलमानों में भी ईद उल फित्र जैसे त्योहार पर खीर खुरमा के नाम से किया जाता है। दिलचस्प बात यह है, खीर शब्द संस्कृत भाषा के क्षीर शब्द से जन्मा है और शीर फारसी शब्द है, दोनों का अर्थ दूध है। अब दूध की बात निकली है तो बता दें कि भारत दुनिया में दूध के उत्पादन और उपभोग दोनों में अव्वल है। हमारे इतिहास में आर्य वंशों का दूध और डेयरी उद्योग के साथ गहरा संबंध है, पर उनके भारत में आने से पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की शानदार गाय बैलों की मुद्राओं से दूध और डेयरी उद्योग के प्राधान्य की संभावना झलकती है। तो मीठा अगर मना है तो भी रीति रिवाज का बहाना है। पायसम या खीर, पायस या शीर खुरमा, मिठाई की संतुष्टि पकाने में भी आसानी है। इसे खाने के कारण गिनने लगो तो सदियां बीत जानी है, उसके बाद भी ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट रहेगी, आने वाली सदियों में लालच पूरी नहीं होगी। तो सोचो मत, आप भी कटोरा भर पायसम चख लो।
Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic.